हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पैराडाइज कंप्यूटर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फोटोशॉप 7 में। दोस्तों, एडोब फोटोशॉप 7 का ये पहला वीडियो है और आज इस वीडियो में हम कुछ सिखाने वाले हैं। क्या सिखाने वाले ये आपको थोड़ा देर में पता चलने वाला है। जैसा कि आपको फोटोशॉप 7 ये आपको यहाँ पे आइकॉन दिख रहा होगा मेरे डेस्कटॉप पे, एडोब फोटोशॉप 7 इसका ये आइकॉन दिख रहा है। इसको मैं ओपन करके दिखा देता हूँ, पहले इसका इंटरफेस दिखा देता हूँ ये किस तरह से दिखेगा। इसके बाद मैं बात करूंगा इस फोटोशॉप को डाउनलोड करने का। दोस्तों, अगर आपके कंप्यूटर में या लैपटॉप में अगर एडोब फोटोशॉप 7 नहीं है तो कैसे आप इसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, वो आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। जैसा कि हमारा ये फोटोशॉप का इंटरफेस खुल चुका है, इस तरह का इंटरफेस होता है। अगर यहाँ कभी कभी जो है यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे कुछ लेयर्स वगैरह होते हैं, इस तरह का आइकॉन भी आपको यहाँ पे इस तरह का दिखने को मिल जाएगा। जो भी है, ये हमारा ये फोटोशॉप का इंटरफेस है। अगर आपके कंप्यूटर या लैपटॉप सिस्टम में जो है एडोब फोटोशॉप 7 नहीं है तो कैसे डाउनलोड करना है, आज ये फर्स्ट वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने कंप्यूटर में जो है क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउजर को ओपन करने के बाद सिंपली यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है गेट इनटू पीसी। यहाँ मैं लिख रहा हूँ इस तरह से GET गेट इनटू पीसी, इस तरह से आपको टाइप कर देना है जैसे कि आपको दिख रहा है गेट इनटू पीसी। यहाँ फर्स्ट वाला ऑप्शन दिख रहा होगा getintopc.com, इस लिंक पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपका जो है इस तरह का पेज वेबसाइट ओपन हो जाएगा। इस वेबसाइट पे आपको यहाँ पे एक राइट साइड में यहाँ पे लिख रहा है सर्च वेबसाइट, है ना, इस पे आपको क्या कर देना है, सर्च करना है। सर्च करना है क्या, एडोब फोटोशॉप 7, इस तरह से लिखकर आपको 7.0 लिखना है, आपको एडोब फोटोशॉप 7.0। इसके बाद यहाँ गो पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप गो पर क्लिक करते हैं तो आपका जो है इस तरह का पेज जो है सर्चिंग होने के बाद इस तरह का आ गया है। इसमें एडोब फोटोशॉप के कई सारे वर्सन आपको दिखने को मिलेंगे। यहाँ पर अगर एडोब फोटोशॉप फर्स्ट पेज में अगर आपको नहीं मिल रहा है, देख रहे हैं यहाँ पर फर्स्ट पेज में नहीं है, तो यहाँ पे नीचे आपको सेकंड पेज डालने का ऑप्शन है, इस नेक्स्ट पेज पर आप चले आएंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको लिख रहा है एडोब फोटोशॉप 7 फ्री डाउनलोड। सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये नया पेज होगा एडोब फोटोशॉप 7 का, जैसे कि आपको दिख रहा है स्क्रीन में। इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करके आएंगे, यहाँ पे इसमें कई सारे इमेजेस दिए गए हैं एडोब फोटोशॉप 7 में वर्क का। यहाँ पे थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल करके आते जाएंगे यहाँ पे आपको लिखा रहा है डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है। दोस्तों, जैसे आप इसको डाउनलोड करेंगे तो ये GPRR फाइल में ओपन होगा, तो यहाँ पे इसका पासवर्ड होगा, वहाँ पे पासवर्ड मांगा जाता है इसको ओपन करने के लिए। तो आपको पासवर्ड में जो ये पासवर्ड यहाँ दिख रहा है वही पासवर्ड आपको डाउनलोड करना डालना होगा, ठीक है। यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है, सिंपली आपको इस डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करते तो ये नए पेज में आता है। यहाँ पे आपको जो इस तरह का ये सर्चिंग लिख रहा है, जैसे ही थोड़ा सर्चिंग लेगा, सर्चिंग लेने के बाद थोड़ा ही देर में जो ये डाउनलोड आपका स्टार्ट हो जाएगा, ये WinRAR फाइल में ये डाउनलोड होगा, जो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगा। इसमें आपको सारे की मिलेंगे, जो भी है लाइसेंस वगैरह सारा उसमें आपको मिल जाएगा। जैसे कि हमारा ये फाइल आया डाउनलोड करने के लिए, आप इसको क्या करना है, जहाँ पे आप सेव करना चाहते हैं ये RAR फाइल में है, इसका जो फाइल का पासवर्ड वहाँ पे देख रहा था 1, 2, 3 था, वही पासवर्ड आपको डालना पड़ेगा। अब इसको जहाँ सेव करना चाहते हैं, मेरी डेस्कटॉप ले लेता हूँ, यहाँ से इसको सेव कर देते हैं। जिसे सेव करेंगे तो ये हमारा जो है डाउनलोड स्टार्ट हो गया, जो कि ये 155 MB का है। इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, चूंकि मेरे में डाउनलोड है पहले, इसलिए मैं इसको डाउनलोड नहीं करता हूँ। तो इस तरह से जो है आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। इसको डाउनलोड करने के बाद जो इसको इंस्टॉल करेंगे, जिसे RAR फाइल में इसको जो है आपको एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो है क्या होगा, इसमें आपका जो पासवर्ड मांगा जाएगा उस पासवर्ड को डाल देंगे। पासवर्ड डालने के बाद ये आपका ओपन होगा, बहुत सारा फाइल इसमें दिखेगा। चलिए, मैं इसको डाउनलोड पर क्लिक करता था, यहाँ जैसे यहाँ पर दिया गया कि हमारा पॉज किया हूँ, क्योंकि मैंने इसको पहले से डाउनलोड कर रखा था। अब अगर आपको डाउनलोड में कोई प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट करेंगे, मैं फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि कैसे इसको इंस्टॉल करते हैं। जैसे ये डाउनलोड का सारा जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है, अगर इंस्टॉल करने आता है तो आपको इंस्टॉल कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कुछ नए इन्फॉर्मेशन का, तो वो भी फ्री एडोब फोटोशॉप 7 में। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।